नमस्कार जीएस गैलेक्सी में, मैं अनिल सर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए, जो है विश्व इतिहास की श्रृंखला हम लोग की शुरू हो चुकी है। विश्व इतिहास की श्रृंखला में हम लोग पुनर्जागरण कर रहे हैं। पुनर्जागरण का हम लोगों ने कारण देखा गया है कि व्हाट वेयर द रीजन्स ऑफ द रेनेसा, व्हाट व्हाई रेनेसा टुक प्लेस ओनली इन इटली अमंग ऑल द डेवलप कंट्री ऑफ द यूरोपियन नेशन। देन आफ्टर राइट नाउ वी आर गोइंग टू जस्ट कॉन्सेंट्रेट अबाउट द की फीचर्स ऑफ द रेनेसा। हम लोगों ने अभी तक देखा कि रेनेसा का कारण क्या था, रेनेसा इटली में ही क्यों हुआ था, और अब हम लोग करने जा रहे हैं कि ये पुनर्जागरण की मुख्य विशेषताएं क्या थी। तो चलिए वन बाय वन करके हम लोग देखेंगे इसकी सबसे पहली जो मुख्य विशेषता थी वह क्या था। मानवतावाद था। कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमनिज्म जो है वो प्रमोट होता है। इसके पहले आप देखेंगे तो पहले ही वीडियो में कारण में मैंने एक बहुत ही विस्तार से मैप बनाया हुआ है, आप लोग देखिएगा। महान रोमन साम्राज्य का विध्वंस होता है, बाइजेंटाइन आते हैं। बाइजेंटाइन के आने के साथ ही यूरोप में मध्यकाल का शुरुआत हो जाएगा, सामंती प्रथा की शुरुआत हो जाएगी, और इसके साथ ही रिग्रेसिव थिंकिंग, कंजर्वेटिव थिंकिंग, उसको संकीर्ण विचारधारा आएगा और यूरोप के अंधकार युग का सृजन हो जाएगा। मींस कि जहाँ पे धर्म ज़्यादा प्रभावी होगा वहाँ पे किस लोक की बात होगी, यह लोक की बात नहीं होगी, वो पारलौकिक जिसको किसी ने देखा ही नहीं है उस दुनिया के बारे में बात किया जाएगा, और उसके बहाने जो है डरा करके अंधविश्वास और उसके आडंबर जो रिचुअल्स होते हैं उसको बढ़ाया जाता है। लेकिन पुनर्जागरण से आपने क्या देखा था, यूरोप में लोग अब तार्किक हो रहे हैं और इस तार्किकता का परिणाम क्या होगा, अब ये होगा कि जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। कि जब इस दुनिया को ही हम देख रहे हैं, इस दुनिया को ही हम जा रहे हैं, तो मरने के बाद पारलौकिक दुनिया जिसको किसी ने नहीं देखा है, हमारा पूरा इस मानव जीवन को हम उस पर चिंतन करने में व्यर्थ नहीं करेंगे, बल्कि इस मानवता को और बेहतर बनाने का प्रयास होगा। तो इस मानवतावादी विचारधारा को बढ़ावा दिया जाएगा, और इसमें आप देखेंगे जो प्रथम मानववादी विचारक के रूप में, जो ह्यूमनिस्ट थिंकर्स के रूप में आते हैं, वो कौन रहते हैं, पेट्रार्क और इरास्मस रहेंगे। पेट्रार्क और इरास्मस रहेंगे। पेट्रार्क ने, मैंने पहले ही कहा था, इन्होंने डिवाइन कॉमेडी लिखा था, शब्द से ही आपको उसका ज्ञान हो रहा होगा, डिवाइन कॉमेडी। इरास्मस रहते हैं, ये भी अपने विचारों को करेंगे और कहेंगे परलोक के मतलब आध्यात्मिक जीवन नहीं बल्कि मानव को और विकास पे के पथ पे लाया जाए, उसी का परिणाम देखेंगे। मानवता आज जो है हमारे इस पृथ्वी से बाहर निकल करके चांद तक जा पहुंचा है, और हमारा विज्ञान जो है वो वाइजर वन और वाइजर टू जो हैं इसके रूप में हमारे इस सौर मंडल, वाइजर वन तो हमारे सौर मंडल से भी आगे निकल चुका है। अगला अगर हम लोग देखा जाए कि इसकी विशेषता क्या थी, तो अगली विशेषता व्यक्तिवाद है। जो ह्यूमनिज्म के बाद इंडिविजुअलिज्म आता है, व्यक्तिवाद आता है। व्यक्तिवाद में अब व्यक्ति के ऊपर जो है ज़्यादा फोकस किया जाएगा और इन सारे जो धार्मिक विचारधाराओं को इग्नोर किया जाएगा। अगले विशेषता को अगर आप देखेंगे तो क्या आ जाएगा, धर्म निरपेक्षता आएगा। अभी मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि यूरोप में एक धर्म युद्ध हुआ था जहाँ पे ईसाई और मुस्लिम वर्ग लड़ा हुआ था, तो अब उस धार्मिक संकीर्ण भावनाओं से ये लोग ऊपर निकलेंगे और रेशनल आइडियाज के साथ सेकुलर होंगे। मीन्स कि हर धर्मों के प्रति जो है सम्मान की भावना रखा जाएगा, एक जो है पारस्परिक सहयोग की भावना रखा जाएगा, और उसके साथ जो है मानवता को आगे बढ़ाने का प्रयास जो है वो किया जाएगा। अगली जो इसकी विशेषता है कि इस तार्किक चिंतन जो पुनर्जागरण रहता है वो क्या करता है, वो मानव के जिज्ञासा की प्रवृत्ति को और ज़्यादा बढ़ा देता है, जो क्यूरियोसिटी होती है उसको और ज़्यादा बढ़ा देता है। तो
इस जिज्ञासा की प्रवृत्ति को और ज़्यादा बढ़ाते हैं। मानव अब अपने पृथ्वी को और बेहतर जानने के लिए समर्पित होता है और जिसका परिणाम क्या होगा, साहसिक यात्राओं की शुरुआत होगी। कोलंबस हो, चाहे बार्थोलोमा डियाज हो, चाहे वो हेनरी नेविगेटर रहे हो, चाहे वास्को डिगामा रहे हो, इन सारे लोगों ने साहसिक यात्राओं पे निकले और इस तरीके से अपने इस ग्रह के बारे में हमारी समझ और ज़्यादा विकसित हुई। इसके अलावा विज्ञान और प्रौद्योगिकी का जो है वो विकास होता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास इसकी मुख्य विशेषता है। लोग तार्किक हैं, तार्किक के साथ साथ जो हैं अब ये जो रेशनल आइडियाज होता है वो हमेशा साइंस को प्रमोट करेगा और साइंस को प्रमोट होने के बाद जो भी हमारे ईसाई धर्म की या कह सकते हैं कि पोप के द्वारा जो चर्च के द्वारा जो बुराइयां थी या अंधविश्वास था उसको नकारा जाएगा। गैलीलियो गैलीली आएंगे और वो जो हेलियोसेंट्रिक आइडियोलॉजी रहेगी कि सारे जो ग्रह नक्षत्र जो हैं वो पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं उसको नकार दिया जाएगा और क्या कहा जाएगा कि नहीं, सारे ग्रह नक्षत्र तारे सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो चलिए पुनर्जागरण की एक विशेषता के रूप में हम लोग ये देखते हैं। अगली विशेषता क्या होगी, बहुमुखी प्रतिभाओं का विकास होगा। बहुमुखी प्रतिभाओं का विकास, अब इन बहुमुखी प्रतिभाओं का जो विकास होगा इसमें कौन कौन होंगे, आप देखिएगा मल्टीफैसेट जो टैलेंट उभर करके आते हैं, जैसे कि लियोनार्डो द विंची का नाम आप लोगों ने सुना होगा। लियोनार्डो द विंची को आप लोग एक चित्रकार, एक पेंटर के रूप में जानते होंगे। ये केवल एक पेंटर ही नहीं थे, ये एक मूर्तिकार भी थे, एक स्कल्पचरर भी थे और ये एक आर्किटेक्ट भी थे, एक स्थापत्यकार भी थे। लियोनार्डो द विंची के अलावा आप माइकल एंजेलो का नाम सुने होंगे। माइकल एंजेलो जो थे वो एक इंजीनियर थे, वो एक पोएट, एक कवि थे, वो एक चित्रकार भी थे और वो एक मूर्तिकार भी थे। मतलब इस मानवतावाद का परिणाम क्या होता है कि बहुमुखी प्रतिभाओं का विकास होता है। अब मानवतावादी चिंतन में लोग एक ही फील्ड में नहीं, विभिन्न सारे क्षेत्रों में एक ही साथ योगदान दे रहे हैं। अगला इसका क्या होगा, मानवतावादी चिंतन का एक परिणाम और होगा, सहज सौंदर्य की उपासना। जो एक ब्यूटी होगा, मानवतावादी सौंदर्य होगा, उसकी उपासना की जाएगी। कैसे किया जाएगा, आप मोनालिसा के चित्रकारी के बारे में सुने होंगे। मोनालिसा की जो रहस्यमयी मुस्कान है वो आज भी लोगों के बीच में कौतूहल का विषय बना हुआ है। तो चलिए बच्चों, ये आप देख सकते हैं पुनर्जागरण के जो बहुआयामी विशेषताएं हैं उसको मैंने आप लोगों के साथ एक एक करके एग्जाम्पल्स के साथ किया है। पुनर्जागरण के बाद फिर अब हम लोग आएंगे किसी अगले टॉपिक में, आप लोग से मिलते रहेंगे। आप लोग वीडियोज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें ताकि हम लोग एक और ऊर्जा के साथ इस तरीके से आपको फ्री प्लेटफॉर्म पे और ज़्यादा वीडियो दे सकें। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।